किसी भी समाज को अगर विकास करना है, देश को यदि विकास करना है, तो सबसे पहले उसके सामने एक रोडमैप होना चाहिए कि हम ये विकास किस तरह से करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट बनाने की कल्पना ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कल्पना है। जब एनडीए पावर में थी उस समय हम लोगों ने इंडिया विजन 2020 बनाया था, और सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट बनाया नहीं था तो उसके ऊपर कार्यवाही करना भी प्रारंभ कर दिया था। नितिन गडकरी जी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब उन्होंने इंडिया विजन 2025 का प्रोजेक्ट हाथ में लिया, और आसाम विजन डॉक्यूमेंट ये उसी इंडिया विजन डॉक्यूमेंट का एक भाग है जिसका आज यहाँ पर प्रकाशन होने वाला है। इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने की जब कल्पना आई तब सारे समाज का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो ऐसा एक निर्णय हम सब लोगों ने लिया। इसलिए न्यूज़पेपर्स में एक एडवर्टाइजमेंट दी गई कि जिसमें ये बताया गया कि लोगों के मन में क्या है, आसाम को 2025 में वो कैसे देखना चाहते हैं, 300 शब्दों में लिखिए। हमने जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट दी उस तरह से इसकी एक सुंदर वेबसाइट भी बनी, और वेबसाइट के ऊपर लिंक देकर पूरी तरह से एक मीडिया, सोशल मीडिया का उपयोग फेसबुक से, ट्विटर से, आउटपुट से और बाकी सारी चीजों से करके दुनिया भर में फैले हुए जो इंटेलेक्चुअल असमीज जो बाहर गए हैं, ऐसे आसाम के लोगों को हम लोगों ने इस विजन डॉक्यूमेंट की तरफ अट्रैक्ट करवाया। आपको बताने में आनंद हो रहा है कि 500 से अधिक लोगों ने अपने 300 शब्दों में आर्टिकल्स लिखकर आइदर ईमेल से या कुरियर से हमको भेजे, और इतनी बड़ी मात्रा में हम लोगों को फेसबुक और ट्विटर पर इतनी बड़ी मात्रा में लोग हमारे साथ जुड़ गए और उन्होंने अभिनंदन किया कि आप हमारी राय लेना चाहते हैं। आसाम के चार प्रमुख शहरों में, डिब्रूगढ़ में, तेजपुर में, जोरहाट में और गुवाहाटी में इंटेलेक्चुअल पब्लिक हियरिंग के कार्यक्रम हुए, जिसमें प्रायः 100 से अधिक इंटेलेक्चुअल्स हर कार्यक्रम में 2 दिन की नोटिस पर आकर पहुंचे। और पहली बार आसाम में ऐसे हुआ कि आपके मन में क्या है ये बोलने का मौका आम आदमी को दिया गया, और वहां से मिले हुए फीडबैक्स, लोगों ने लिखे हुए जिस तरह से फीडबैक्स हम लोगों ने लिए, वैसे कई ऐसे आसाम के विद्वत जन थे जिनसे हमने संपर्क किया और उन्होंने लिखित तौर पर अपनी जो राय है विजन डॉक्यूमेंट में, जो उनके मुद्दे हैं उन्होंने दिए। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर बीएन बेजबरुआ जी बैठे हुए हैं, हमारे जैन खतनियार जी बैठे हुए हैं, अमीय शर्मा जी है, ऐसे कई लोगों ने हम लोगों को लिख कर दिया कि आसाम के विकास के लिए ये बातें की जा सकती है, ऐसे उनको लगता है। ऐसे 50 से अधिक इंटेलेक्चुअल्स ने दिए हुए ऐसे 500 से अधिक जनता से आए हुए जो है आर्टिकल्स और इंटरनेट से आए हुए लोगों के फीडबैक, इसका सारा एकत्रित करके उसमें से इस मंथन से एक अमृत जैसा निकालकर आज का ये विजन डॉक्यूमेंट बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सिर्फ बोलने पर विश्वास नहीं करती, तो वो वास्तविक में उतार कर दिखाती है, प्रत्यक्ष में उतार कर दिखाती है। मैं हमारे माननीय अध्यक्ष जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। महाराष्ट्र में जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, मैं मुंबई का रहवासी हूं और मुंबई में इतनी बड़ी ट्रैफिक की समस्या थी, पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को वास्तविक में उतारकर 55 फ्लाईओवर्स अकेले मुंबई के अंदर बनाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस जमाने में किया था। आज भारत का सबसे सुंदर रास्ता जिसको हम कहते हैं मुंबई पुणे का एक्सप्रेस हाईवे, वो भी नितिन गडकरी जी के हाथों ही बना था, और वही नहीं तो सारे विदर्भ से लेकर सारे महाराष्ट्र की सड़कें वास्तविक में अगर अच्छी हो गई होगी तो नितिन जी जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तब हुई। हमारे देश के दुर्भाग्य से अन्य राजनीतिक दलों के लोग मिनिस्टर बनते हैं तो उनके स्टेट को मिनिस्टर मिलता है, ममता मिनिस्टर बनती है रेल मिनिस्टर तो बंगाल को मिनिस्टर मिलता है, लालू जी जब मिलते हैं तो बिहार को रेल मिनिस्टर मिलता है, भारत को रेल मिनिस्टर नहीं मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मिनिस्ट्री में आते हैं सारे देश के मिनिस्टर बनते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड है। जिस आसाम से सिर्फ 3 सांसदों का प्रतिनिधित्व एनडीए में था, उस एनडीए ने नॉर्थ ईस्ट के लिए डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की मिनिस्ट्री बनाई। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि ट्राइबल्स की बहुत बड़ी संख्या नॉर्थ ईस्ट में है,
और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री भी जो है एनडीए गवर्नमेंट के जमाने में ही बनी हुई है। कामों की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन करने वाले लोग सत्ता पर बैठने के बाद क्या होता है ये एनडीए ने देखा था। लॉटरी पूरे देश भर में रद्द करने का काम वास्तविक में अगर किसी ने किया है तो मिनिस्टर रहते हुए हमारे विजय गोयल जी ने किया हुआ है। तो काम करने वाले लोग जब विजन देखते हैं और उस विजन को लोगों के सामने रखते हैं तब उसके बारे में एक विश्वास आता है। मैं यहाँ पर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ उपस्थित रहने के लिए। और इस विजन डॉक्यूमेंट को कहते हैं आसाम में काम लाहे लाहे होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है भूमिका ने कभी बोला कि वो एकदम तेजी से ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आने से करके दिखाएगी, इसके बारे में मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।